तो मार्केट में आ चुका है एक नया बैटल रॉयल गेम जिसका नाम है इंडस बैटल रॉयल। एंड यार ये गेम हमारी नजरों में कैसे नहीं आया, 2.28 GB का मोटा तगड़ा गेम है ये। चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके, तो सुपर गेमिंग नाम की कंपनी ने बनाया है इस बैटल रॉयल गेम को, जैसे BGMI को बनाया है क्राफ्टन ने। वैसे इसका लॉन्च इंटरफेस देखा जाए तो ये क्लोज कंपेयर टू BGMI की तरह ही बिल्कुल फर्स्ट के ओपन हो रहा है, जैसे BGMI लॉन्च होता है। एंड तो यहाँ पे मैंने फिर साइन इन वगैरह कर लिया अपने एप्पल आईडी से, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मुझे अब यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, प्ले अ मैच और गो टू ट्रेनिंग ग्राउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाएंगे, इसके मूवमेंट्स वगैरह देखते हैं। ओ भाई भाई, मूवमेंट्स वगैरह तो मैं अगर देखा जाए तो ये फ्री फायर से तो काफ़ी हद तक अच्छा बनाया है इन लोगों ने। मतलब फ्री फायर में तो बिल्कुल कार्टून की तरह चलते हैं बंदे, बट इसमें सही है यार, ये क्लोज कंपेयर टू BGMI की तरह बिल्कुल इसकी जो मूवमेंट वगैरह है। हाँ मैं मानता हूँ BGMI में बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यार वो बहुत एनहेंस हो चुका है, ठीक है। BGMI को आया हुआ कितना साल हो गया वो देख लो आप। तो इसमें अब मैं थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो है वो मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, लाइक जायरोस्कोप वगैरह ऑन कर लेता हूँ एंड ADS ऑन वगैरह। ये एम एक्सेलरेशन तो मुझे पता है भाई, मतलब जल्दी स्वाइप करने से जल्दी एम टर्न होता है। ये क्या है, एम स्मूथिंग एडेड स्मूथिंग डिले आफ्टर लॉक इनपुट इज नो लॉन्गर एक्टिव। अरे आई थिंक ये वो है कि मतलब जो स्कोप आप ओपन करते हो ना तो ADS जो है वो स्मूथली ओपन होगा, समझे। चलो ये तो हो गया, पर मुझे पैटर्न सेट करने पड़ेंगे भाई। हर नया गेम खेलने का सबसे बड़ा चैलेंज यार यही होता है कि आपको हर गेम में अपना लेआउट सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर चुका हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ये फटाफट पार हो जाएगा, ठीक है। ये फटाफट सेट करने के बाद हम लोग चलते हैं सीधा गेम के अंदर। तो मैच हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे अभी अभी ये चीज़ पता चली कि यार हम लॉबी में बात नहीं कर सकते। मतलब आप बस खड़े होकर एक दूसरे की शक्ल देख सकते हो, बट यू कैन नॉट टॉक विद ईच अदर। एंड गेम भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मैच स्टार्ट हो चुका है। एंड मैच स्टार्ट होते ही यार इसमें पता नहीं कोई ग्लिच है या फिर बग है, मेरा जो टीममेट है वो लॉबी में ही रह गया है। मतलब मैं मैच में आ चुका हूँ और मेरी जो टीममेट है वो लॉबी में ही रह गई है भाई, वो आ ही नहीं पाई। तो मुझे ये मैच एग्जिट करना पड़ जाता है। और यार ये प्रॉब्लम ना मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मैंने स्ट्रीम पे भी खेलते हुए काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो अपने टीममेट्स के साथ एंटर ही नहीं कर पा रहे। कुछ टीममेट्स एंटर कर पा रहे हैं, बाकी टीममेट्स बाहर ही रह जा रहे हैं। तो यार ऐसा मत करो भाई, ये चीज़ें ठीक करो, ठीक है। तो मैं वापस से अपनी टीममेट को बुला लेता हूँ और मैं वापस से मैच स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यार दूसरी बार मैच स्टार्ट करने पर मेरी जो टीममेट है वो मैच में फॉर्चुनेटली आ जाती है। ओ भाई ये पंच क्या मस्त मारता है, बिल्कुल रोमन रीन्स की तरह सुपरमैन पंच मारता है वे। ये कुछ नया देखने को मिला। तो गाइस चलो आप प्लेन में फटाफट चलते हैं। यार ये प्लेन में देखो जायरोस्कोप जो है ना, मुझे इसका ये बहुत सही लगा यार, जायरोस्कोप तो बिल्कुल मस्त काम करता है इसका, बिल्कुल BGMI की तरह एकदम स्मूथ एंड स्टर्डी। अरे 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 ये रैंडम्स बीच में क्या बोल रहे हैं यार, ये लोग मेरी वीडियो ख़राब कर देंगे, अभी इसको पार्टी पे करता हूँ। गाइस इसमें एक ऑप्शन भी है अच्छा, जैसे हमें BGMI में मिलता है, BGMI में हमें टीम अप पे करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप पार्टी पे कर सकते हो। इसका मतलब आपकी टीम में जो बंदे हैं वो टीम वाले बंदे ही आपकी आवाज़ को सुन पाएंगे, या फिर अगर आप उनकी आवाज़ ही सुनना चाहते हो तो आप स्पीकर को पार्टी पे कर दो, तो उससे फिर आपसे उन्हीं की आवाज़। अरे भाई ये क्या लैग था, इतना गंदा फंसा, सीरियसली आई एम प्लेइंग ऑन iPhone 12 A14 बायोनिक चिप, सीरियसली इस कदर लैग भाई। BGMI में भी ऐसा नहीं अटक रहा आजकल, जबकि BGMI में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सर्वर हैकर सारे सर्वर पे अटैक हो रहा है। खैर BGMI से तो इस गेम का कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं यार, BGMI क्या हम कॉल ऑफ ड्यूटी फ्री फायर, क्योंकि ये गेम्स जो है ना वो बहुत पुराने हैं और इनमें करीब 20 से 25 अपडेट्स आ चुके हैं और हर अपडेट के साथ इन्होंने अपने आप को एनहेंस ही किया। खैर BGMI की बात अलग है, वो हर अपडेट पे टट्टी होते जाता है, लेकिन इस गेम के बारे में मैं बताऊं तो दिस गेम कैन बी इम्प्रूव। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की भाई, कैरेक्टर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ है। BGMI में स्पीड हैक लगाने के बाद इतनी तेज़ चलता है बंदा, वो एबिलिटी इन्होंने इसमें फ्री में ही दे दी है। तो इस गेम में ना बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं भाई, इसमें ऐसी ऐसी गन्स है ना जिसमें चार चार गोली चलती है एक बार में, मतलब समझ रहे हो आप, AR गन है उसमें चार गोली निकलती है एक बार में। भाई वो गन मैंने गलती से ले ली थी, मैं तो कितनी पूरी तरह मर। और ये जो स्नाइपर गन्स होती है ना, ये स्नाइपर गन्स में ऑटोमेटिकली स्कोप लगे हुए मिल गए हैं यार, बिल्कुल फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह। ये देखो भाई, मतलब बंदा सामने, मैं स्कोप इन कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ ही खुल रहा है भाई। सबसे पहले गलती तो मैं बस यूज़ करके देखना चाहता कि मतलब स्नाइपर एक्चुअली में चलती कैसी है, इसका डैमेज कैसा है, लेकिन भाई ये स्कोप ही इतना दूर खुल रहा था कि मैं तो यूँ ही पिल जाता हूँ।
खैर ये मैच मैं चेंज कर लेता हूँ, अब मैं आता हूँ टीडीएम पे। यार टीडीएम चेक करते हैं टीडीएम कैसा है इसका। खैर जब तक टीडीएम मैच स्टार्ट होता है हम नई चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या गन्स है, कैसे कैसे स्किन्स है। ओ भाई ये गन्स तो यार एकदम नई नई लग रही है, मतलब ये गन्स मैंने पहले कहीं देखी नहीं है ऐसी गन्स। वाओ मिले वेपन्स देखो बिल्कुल एकदम यूनिक यूनिक है। ओ भैंचो ये क्या है बे चप्पल, भाई इस पे लिखा है माँ का प्यार। माँ कसम भाई जिसने भी इस गेम को बनाया ना ये चप्पल डाल के उसने ये प्रूव कर दिया कि ये इंडियन गेम ही है। भैंचो दे चप्पल भाई दे के उसके थूत सुझा दो भाई क्या गेम है भाई, चप्पल दे दिया बे ऐसा बिलीव अपन। तो चलो गाइस ये टीडीएम स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है अब यहाँ पे हम लोग टीडीएम खेल के देखते हैं यार ये टीडीएम कैसा है। नहीं है वैसे ये 2v2 टीडीएम है क्योंकि अभी मेरा लेवल जो है वो 5 नहीं हुआ है। लेवल 5 होने के बाद हम 4v4 8v8 टीडीएम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो यार ये टीडीएम में देखो मेरे को क्या प्रॉब्लम्स लगी मैं आपको वो बताता हूँ। जो मूवमेंट स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना है ना कि मतलब भाई बंदा एक को तो मार ही ना पाए। भाई देखो भाई बंदा कैसे भाग रहा है, इतनी तेज थोड़ी भागता है वो बंदा। भाई देखो उसको स्कोपिन करके मैं मारने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, वो बंदा कब चढ़ के मेरे मुँह पे आ जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। और इस गेम के टीडीएम में क्या है ना आपका ना किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ जो पर्टिकुलर एनिमी है आपका उसके साथ आपके 1v1 फेस ऑफ स्टार्ट हो जाता है। लाइक अगर उसने आपको एक बार मार दिया तो साइड में जो है ना वो आपको ऐसा फेस ऑफ सा शो होने लग जाता है कि यार उस बंदे ने आपको इतनी बार मारा है एंड आपने उस बंदे को इतनी बार मारा है। देखो भाई मैं उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई पता नहीं कहाँ ही लग रही हैं गोलियाँ। खैर वो मुझे एम ठीक करना पड़ेगा, आई नो अभी इतनी जल्दी एम तो मेरा सही नहीं हो सकता है। वैसे देखा जाए तो इसमें एम कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है क्योंकि इसमें रिकॉयल जो है ना BGMI के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हर गन की जो रिकॉयल वगैरह होती है एंड इसमें जो स्प्रे करने की जो ताकत होती है ये सारी चीज़ें है ना BGMI के कंपैरिजन में बहुत ही ईजी है। इसमें रिकॉयल उतना ज़्यादा नहीं है, रिकॉयल भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल फ्री फायर की तरह भी बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि एम बॉट की तरह एकदम एक जगह लटक गया और मारते जाओ सारी गोलियां ऐसे चिपक जाएंगी। और ना ही बिल्कुल BGMI की तरह है जो AKM पे अगर 4x लगा के चलाओ तो सारी गोलियां आकाश में ही लग जाएंगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक मीडियम रेंज गेम है, ना ही बहुत टॉप नॉच है ना ही एकदम लो क्लास गेम है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हो। और यार इंडिया में पहली बार बैटल रॉयल गेम बना है, मतलब हो सकता है इससे पहले भी बना हो आई डोंट नो, बट फिर भी ये एक मेड इन इंडिया गेम है सो यू मस्ट शो योर लव। यार हो सकता है अपडेट के साथ ये गेम और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाए। मुझे पता है आप लोग क्राफ्टन को जानते हो, गेम लॉफ्ट को जानते हो, इनकी जो गेम डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होती है, वो मतलब इतनी एक्सीलेंस के साथ वो लोग गेम्स को डेवलप करते हैं। बट उनकी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन कम्युनिटी ने आपको अच्छे गेम्स नहीं दिए। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं तो अभी कुछ दिनों पहले एक कमला नाम की जो गेम जो वायरल हुई थी वो भी एक मेड इन इंडिया गेम थी और मैंने उसे काफ़ी दिनों तक लाइव स्ट्रीम पर प्ले भी किया था, आप चाहो तो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, वो सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। तो गाइस देखो ये यही रीज़न है जो हमें ये वाली गेम उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट है जो COD मोबाइल, PUBG मोबाइल, फ्री फायर ये सारे गेम्स ने सेट कर रखे हैं एंड उसके सामने ये वाला गेम बिल्कुल बच्चों वाला लगता है। सो इन द एंड BGMI वर्सेस इंडस मोबाइल, इसमें BGMI का इंडस से तो कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ 19-20 का ही तो फर्क है। आफ्टर ऑल इंडस मोबाइल इज़ अ वेरी गुड गेम, ये खेलने के लिए बहुत अच्छा है। देख लो यार रैंकिंग में बंदे कितने ज़्यादा लोग बिल्कुल सीरियस रैंक पुश भी कर रहे हैं, देखो कितने टॉप पे बैठे हुए हैं सब, मतलब इन्होंने रैंक पुश स्टार्ट कर दिया है। सो पीपल आर ऑल्सो प्लेइंग, मानता हूँ अभी नया गेम है, ग्लिचेस हैं, बट फिर भी इस गेम को लोग कंसिडर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ इंडियन गेम। ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड गेम, इसमें उतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी मतलब लोग बता रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं। एंड दिस वॉज नॉट एनी स्पॉन्सरशिप और नथिंग, मतलब मेरे जैसे को तो कौन स्पॉन्सर करे, फिलहाल तो कोई नहीं कर रहा है। खैर इन फ्यूचर अगर आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहा तो श्योरली हमें स्पॉन्सरशिप्स ज़रूर मिलेंगी, बट फिलहाल के लिए मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू मैंने दिया है इस गेम के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।